राम राम भाइयों, मैं प्रदीप पचौरी सत्यादि शर्मा इंदौर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने साधारण ब्याज का पहला भाग पढ़ा था। आज हम उससे आगे चलते हैं, दूसरे भाग पर। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कराए कुछ क्वेश्चन कराने से पहले एक कंसेप्ट पूछना चाहता हूँ। वो सिखा छोटा बेसिक कंसेप्ट है। यदि मैं आपसे बोलूँ कि यदि आपका मूलधन आपका 10,000 रुपये है, कितना है? 10,000 रुपये। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। और मैंने आपसे बोला आपकी रेट या दर परसेंट 10% है। तो आपसे कोई पूछेगा, बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा या साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप बोलोगे एक साल का पूछा गया है, क्योंकि रेट अगर हमारी साधारण ब्याज पूछा जाए तो एक साल का इसलिए मानते हैं, क्योंकि इसमें टाइम 2 साल का दिया था तो 2 साल का, बट टाइम नहीं दिया गया है तो एक साल का इसलिए लेंगे, क्योंकि जो आपकी रेट रहती है वो पर एनम एक साल के हिसाब से रहती है। तो आप बोलोगे कि सर 10,000 रुपये थे, उसका हमें 10% मिलेगा। जैसे 10% रेट का मतलब ही यही होता है कि जो भी आप प्रिंसिपल या मूलधन दे रहे हो उसका 10% आपको एक साल के अंदर देना होगा। यदि यहाँ पर 5% होता तो आप बोलते कि सर एक साल में जो भी आपका मूलधन है उसका 5% आपको ब्याज के रूप में देना होगा। 10,000 का मैं 10%, और आपको पता है अगर परसेंट हटाते हैं नीचे कितना आता है? 100। तो आप बोलोगे कि सर इसका 1,000 रुपये ब्याज। तो बहुत से बच्चे कहते होंगे सर ये हमको आता है, बट आगे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं उसमें पहले से बता देता हूँ इस कंसेप्ट का यूज करूंगा। यदि मैं इसी बात को ऐसा बोल देता तो कि इस क्वेश्चन में मैं आपको अगर दे दूं कि मूलधन दिया गया है और आपको ब्याज दिया गया, ये एक साल का ब्याज इतना है, तो आप रेट निकाल सकते हो किस तरीके से। यदि मैं इसी को बोल दूं, इसी क्वेश्चन को बोल देता, 1,000 रुपये आपका साधारण ब्याज निकला था, कि साधारण ब्याज कितना है आपका? 1,000 रुपये। कितना है? 1,000 रुपये। या सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1,000 रुपये। और आपसे पूछा जाए बताइए रेट प्रतिशत या दर प्रतिशत कितनी है, तो आप कहते हो कि दर प्रतिशत क्या होती है? जो भी आपका प्रिंसिपल होता है उसका एक साल का उतना परसेंट ब्याज निकाल दो। तो मैं आपसे पूछूं एक साल का ब्याज कितना दिया है क्वेश्चन में? 1,000 रुपये। मूलधन कितना है? 10,000। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 1,000 10,000 का कितना परसेंट है। आपसे बोलूं ये आपका 1,000 है, तो 10,000 का कितना परसेंट है, तो हमें क्या मिलेगा? आपका रेट मतलब दर, कि 1,000 ये क्या आपका साधारण ब्याज, ये आपका क्या है मूलधन, इसका कितना परसेंट है। तो आपका वो 0 से 2 0 काट दिया, 2 0 से 2 0 काट दी, तो रेट आपकी कितनी आ गई? 10। तो आप कहोगे रेट मेरी कितनी है? 10। एक बात आपको समझनी होगी, यदि आपको किसी क्वेश्चन में एक साल का साधारण ब्याज दिया गया हो और आपको रेट निकालनी हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि वो एक साल का ब्याज उस मूलधन का कितना परसेंट है। यदि आप किसी क्वेश्चन में दिया गया होता कि साधारण ब्याज 2 साल का दिया गया, तो साधारण ब्याज 2 साल का 2,000 है, तो हम सबसे पहले क्या करते? पहले एक साल पे जाते कि साधारण ब्याज हर साल इक्वल रहता है बच्चे, तो आप कहते 2 साल में अगर 2,000 है तो एक साल में कितना होगा, तो आप कहते 1,000 रुपये, फिर आप कहते 1,000 उस मूलधन का कितना परसेंट है, तो आपको रेट मिल जाती। अब हम करते हैं क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बेसिक कंसेप्ट है, देखिए एक बार ट्राई करके, इसके बाद फिर हम अच्छे टाइप बाई टाइप क्वेश्चन भी करेंगे, पहले 2 क्वेश्चन बेसिक कर लेते हैं। देखिए सर क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, यदि कोई धनराशि 15 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाती है तो वह दर प्रतिशत ज्ञात करिए। वह दर प्रतिशत ज्ञात करिए। हमने माना कोई मूलधन माने तो ज्यादातर कोशिश कराए करो 100 मानने की, आपको दिक्कत नहीं आएगी, परसेंट डायरेक्ट निकल जाएगा। आपसे पूछ रहा है यदि आपसे मैं कहूं आपका मूलधन या प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपीज है। कह रहा है किसी साधारण ब्याज की दर से
वर्षों में चार गुनी हो जाती है। चार गुनी का मतलब क्या होगा? तो मैं आपसे पूछूं कि चार गुनी हो रही है तो अमाउंट या मिश्र धन कितना होता है? तो आपका जवाब होगा कि सर 400 रुपये। कितना हो जाएगा? 400 रुपये। 100 से आपका मूलधन कितना हो रहा है सर? 400 रुपये है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला है या साधारण ब्याज कितना मिला है? तो आप बोलोगे कि मुझे साधारण ब्याज या इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? तो आप कहोगे 300 रुपये। साधारण ब्याज आपको कितना मिला है? 300 रुपये। तो 300 रुपये जो साधारण ब्याज मिला है वो कितने सालों में मिला है? तो आपसे क्वेश्चन बता रहा है 15 वर्षों में। कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। तो ये 15 वर्षों में आपको साधारण ब्याज कितना मिला है? तो आप बोलोगे 300 रुपये। तो आप बस होगा कि 15 साल में हमें ब्याज मिल रहा है कितना? 300 रुपये। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको रेट निकालनी है तो कितने साल पर जाना पड़ेगा? 1 साल। तो आप बोलोगे, बताइए 1 ईयर का कितना होगा? तो आप बोलोगे 300 बटे 15। 15 से काटोगे, 15 दूनी 30, ये कितना आ जाएगा? 20। तो 1 साल का आपका ब्याज कितना होगा? 20 रुपये। तो आप कह सकते हो कि उसे 1 साल में 20 रुपये ब्याज कमाना होगा उस पर, या 1 रुपये 20 रुपये ब्याज मिलता होगा। तो मैं आप 100 लेने का इसलिए फायदा रहता है कि मैं आपसे बोलूं कि 100 रुपये के ऊपर आपको 5 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 500 का कितना परसेंट होता है? 5%। मैं आपसे बोलूं एक कंसेप्ट सीखिए जहां पर कि 5 रुपये ब्याज मिल रहा है 100 पे, तो इसका कितना परसेंट होता है? तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 5%। मैं आपसे बोलूं 100 में से आपके 50 नंबर आए तो कितना परसेंट नंबर आए? तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 50% नंबर आए। 100 में से आपको मैं बोलूं 6.5 नंबर आए तो कितने परसेंट नंबर आए हैं? तो आप बोलो 6.5%, क्योंकि आप डायरेक्ट इससे कंपेयर करोगे तो ये कट जाता है। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं 1 साल में आपको 20 रुपये ब्याज मिला है, तो वो पूंजी कितनी थी आपकी? मूलधन कितना था? 100। 100 का 20 कितना परसेंट होता है? या 100 रुपये पे बोलूं कि 20 रुपये ब्याज मिला है उसका कितना परसेंट है? तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर रेट हमारी कितनी हो जाएगी? 20%। आई होप सबको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो बेसिक कंसेप्ट है। अब देखते हैं एक और इसी तरीके का हम क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जब तक आप सभी लोगों से ट्राई करने की कोशिश करिए। लवित वीडियो सही बन रहा? देख चेक कर लो। यहां पर देखना क्लियर। आइए अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम पैटर्न का है। आपसे कह रहा है यदि कोई धनराशि 12 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है। अब आपसे कह रहा है कोई भी धनराशि, हमने मान लिया कि हमारा मूलधन कितना होगा? 100 रुपये, या प्रिंसिपल की बात करें वो कितना होगा? 100 रुपये। मूलधन कितना माना है हमने? 100 रुपये। तो आप कहोगे 100 रुपये आपका मूलधन है, कितने वर्षों में? आपसे कह रहा है 12 वर्षों में ये दोगुना हो जाता है। दोगुना मतलब जितना रुपया था उसका 2 टाइम्स हो जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा मिश्र धन मतलब अमाउंट, कितना हो जाएगा? तो अमाउंट आपका है दोगुना मतलब 200 रुपये। कितना है? 200 रुपये। तो आप बताइए 100 रुपये आपकी पूंजी थी और 200 रुपये हो जाती है, 100 रुपये की पूंजी अगर 200 रुपये हो जाती है तो आपको ब्याज मतलब इंटरेस्ट कितना मिला है? तो आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट SI हमको कितना मिला है? 100 रुपये। या आप बोलोगे साधारण ब्याज कितना मिला है? 100 रुपये। जो 100 रुपये ब्याज है क्या 1 साल का है? नहीं है। वो कितने साल में मिला है? तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह 12 साल में मिला है। तो आप कह सकते हो कि भैया हमको 12 साल में 100 रुपये ब्याज के रूप में मिला है। लबित बाहर तो नहीं जा रहा, ब्याज के रूप में मिला है। मैं आपसे पूछूं 1 साल में कितना मिलेगा? तो आपका जवाब होगा 100 बटे 12। 4 से काटेंगे ये 20 बटे, 4 से काट दूनी 8 और 25 बटे 3, कितना आ जाएगा?
25/3, 4 2 8 और 4 5 20, 4 3 12, तो आपका वो 1 साल में 25/3 ब्याज हमको मिला है। तो मैं पूछूं ये 100 का कितना परसेंट है, 100 का मैं पूछूं 5 कितना परसेंट है, 5%, 100 का बोलूं 6 कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे 6%, 100 का मैं कितना भी बोलूं कम करके डायरेक्ट उस परसेंट निकल आता है। तो मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपए की पूंजी पर आपको 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 25/3, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, 3 8 24, 8 सही, 1/3। मैं आपसे बोल सकता हूं कि 1 साल में 25/3 ब्याज मिल रहा है या 8 सही 1/3 ब्याज मिल रहा है, तो कितना परसेंट होता है 100 का, तो आप बोलोगे ये उतना ही परसेंट होता है। तो आप रेट बता सकते हो या दर, कोई पूछेगा कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3%। आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आए हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश ने 11 मई 1987 को किसी व्यक्ति से 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 14,600 रुपये की राशि उधार ली। तो मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना होगा, तो आप प्रिंसिपल बोल सकते हो 14,600। तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 14,600 रुपये। अब आपसे कह रहा है उधार ली और अपना उधार चुकाने के लिए वह 10 सितंबर 1987 को वह राशि लौटा देता है, तो बताइए प्रकाश को अपना उधार चुकाने के लिए कुल कितनी धनराशि अदा करनी होगी। और लास्ट में एक लाइन बोला है यदि दोनों दिन भी सम्मिलित करना है, इसका मतलब ये है कि जो दिन पैसा लिया था उस दिन को भी काउंट करना है और जिस दिन पैसा दिया था उस दिन को भी काउंट करना है। तो इसमें समय की जगह इन्होंने तारीखें दे दी हैं, उस तरीके से हम निकालेंगे। मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में रेट कितनी दी गई है, रेट, तो आपका जवाब होगा कि सर रेट इसमें दी गई है 10%, और टाइमिंग इसमें थोड़ी घुमा के दी गई है। क्या बोला है, 11 मई 1987 को लिया था और 10 सितंबर 1987 को उसने आपका पैसा दे दिया, और आपसे कह रहा है दोनों दिन को भी काउंट करना है, तो आपसे कह रहा है बोथ डेज इंक्लूड। भाई मैथ का मास्टर इंग्लिश पे ध्यान मत देना, दोनों दिन आपके सम्मिलित, क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों दिन को भी हमको काउंट करना है, तो बताइए उसको कितनी धनराशि देनी होगी। मतलब आपसे पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना देना, तो मिश्रधन निकालने के लिए आपको साधारण ब्याज मालूम होना चाहिए, अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा इसमें समय कितना है, समय कितना है, तो आप कहोगे उसने मई के महीने में लिया पैसा, मई मई के बाद जून और उसके बाद जुलाई अगस्त और सितंबर, बाहर तो नहीं जा रहा, देखना जरा, सितंबर तक पैसा लिया। अब आपसे कह रहा है कि सर मैं आपसे पूछूं कि आपको, जैसे आपको मालूम होगा कि कौन सा जो महीना जो होता है 31 दिन का होता है, कौन सा, तो आप बचपन से जानते हो इस पर रख के, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मई का महीना 31 दिन का होता है। अगर 31 दिन का महीना होता है तो बच्चे एक बात बताइए, 11 मई से काउंट करना, मतलब 11 तारीख भी आपको काउंट करनी है, तो 11 तारीख भी काउंट करनी है, तो 11 के पहले कितनी तारीख आती है, 10, तो उन 10 दिनों को अगर हम हटा दें तो 31 में से हमने 10 दिन हटा दिए तो कितने दिन होंगे, 21, क्योंकि 11 तारीख तो काउंट करनी है, तो 10 के बाद ही करेंगे ना, तो 10 तक तो नहीं हुआ था काउंट, 1 से लेके 10 तक काउंट नहीं हुआ है, तो 11 से काउंट हुआ है, 11 12 से लेके पूरा महीना है, तो 10 दिन वो हटा देंगे 31 में से, तो आप कहोगे 21 दिन हमको इसके लेने हैं, कितने दिन लेने हैं इसके, 21 दिन लेने। मई के बाद आपका आता है जून, जून कितने दिन का होता है, तो आप बोलोगे 30 दिन का होता है। जुलाई की बात करें, जुलाई कितने दिन की होती है, 31, आप इस तरह काउंट कर लिया करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और फिर जुलाई, जुलाई कितने की, 31 की, सितंबर भी कितने, अगस्त भी कितने का होता है, 31 दिन का, और सितंबर कितना होता है, 10 दिन का। तो आप एक बात का जवाब दीजिए कि मैं आपसे पूछूं टोटल कितने दिन हो गए आपके, तो आप काउंट करोगे जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3, लगे देखना आ रहा है लास्ट में 3 आ रहा है,
आपका हो गया, अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तीन, कितना आ रहा है तीन, और एक, तीन चार, तीन सात और तीन दस, और दस और दो 12। तो आप बोल सकते हो टोटल हमारे पास 123 दिन आ रहे। तो आपका हो गया 123 दिन का हमको ब्याज निकालना होगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछता हूँ, जैसे कोई भी प्रिंसिपल दिया रहता है, जैसे 10,000 रुपये है तो उसका 1 साल 5% ब्याज निकालना है, तो 10,000 का आप डायरेक्ट 5% निकाल देते हो। तो इसी तरीके से जब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रिंसिपल आपका 14,600 रुपये है, रेट आपकी 10% है, रेट आपकी कितनी दी गई है 10% है, 14,000 का 10% निकालना है, लेकिन 1 साल का नहीं निकालना है, कितने दिन का निकालना है 123 दिन का। तो आपके साथ एक प्रॉब्लम और भी आएगी कि हमें जो रेट दी गई होती है वो रेट दी गई होती है 1 साल के हिसाब से, तभी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जब 1 साल के लिए अगर दिया रहता है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, ईयर में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे ईयर में। तो आप कहोगे कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, साधारण ब्याज की बात करें या एसआई की बात करें, तो आप कहोगे प्रिंसिपल हमारा कितना है 14,600 रुपये, उसका कितने परसेंट रेट से, तो आप कहोगे 10%, तो 10% हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100। तो आप बोलोगे कितने साल का, क्योंकि हमारे ईयर के हिसाब से रहती है, तो साल नहीं दी गई है यहाँ पर, कितने दिन दिए गए हैं 123 दिन। तो अगर 123 दिन दिए गए हैं और इसको ईयर में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 365 से, क्योंकि 1 साल में कितने दिन होते हैं 365। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका प्रिंसिपल कितना है 14,600, कितने परसेंट ब्याज निकालना है 10%, कितने साल का, तो आपको दिन में दिया गया था 123 दिन का, तो उसको ईयर में चेंज करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे 165 से। अब एक बात बताइए, आप इसमें सॉल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो को हमने कैंसिल कर दिया, 5 से काटेंगे इस क्वेश्चन में, 5 7 35, 5 3 15, 5 2 10, और इससे काटेंगे ये कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 2 4, 4 3 12 की 2, कैरी 1, 4 2 8 और 1 9, 4 1 4। तो आप कह सकते हो कि हमें साधारण ब्याज कितना मिला है 400, कितना देना होगा 492 रुपये। आपका सिंपल इंटरेस्ट 492 रुपये है, पूंजी कितनी है आपकी 14,600 रुपये। तो आप कहोगे आपका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट मतलब आपको कितना धन देना होगा, तो अमाउंट मतलब होता है हमारा मिश्र धन। तो मिश्र धन आपको कितना देना होगा, तो आपको भी पहले तो प्रिंसिपल पता होना चाहिए, प्रिंसिपल कितना है 14,600 रुपये, 14,600 रुपये प्रिंसिपल है, प्लस आपको साधारण ब्याज कितना होगा 492, क्योंकि मिश्र धन मतलब अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो आपका हो गया 14,600 रुपये, तो आपके वो था 492 रुपये आपका ब्याज है, ये 9 6 10 की 0, एक 15,092 रुपये आपको देना रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 15,092 रुपये आपको देना रहेगा। ये अच्छे टाइप के क्वेश्चन है बच्चे, अगर क्वेश्चनों को उसने थोड़ा भी घुमाना तो इस तरह के क्वेश्चन पे वो जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मई में कितने दिन रहते हैं, 21 दिन थे। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको इस तरीके से अगर समय आएगा तो इस तरीके से आपको काउंट करना रहेगा, जून में कितने दिन रहते हैं, जुलाई में, फिर अगस्त में और सितंबर में, ये आपको थोड़ा आना चाहिए। क्वेश्चनों के कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत टर्न कर सकता है। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन इसी तरीके का और करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप खुद से सॉल्व करने की बच्चे कोशिश करिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न पर है, मैंने डाटा लिख दिया है, एक बार आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन दिया था कि भैया प्रकाश ने 12,000 रुपये की धनराशि 10% की रेट से 14 जनवरी 1987 को ली और 8 जनवरी 1987 को उसने वापस लौटा दी, और आपका क्वेश्चन है बोल रहा है कि दोनों दिन को भी उसमें क्या करना है आपको काउंट करना है। बच्चे एक बात बताइए, जब उसने उधार ली थी प्रकाश ने राशि 12,000 रुपये की,
कितने परसेंट की रेट से लिए, 10%। इसका मतलब एक साल का ब्याज कितना बनना चाहिए था, जो भी उसने पूंजी ली उसका 10%। टॉप क्वेश्चन में समय एकदम नहीं दिया है, समय को घुमा के उसने दिया गया है इस तरीके से। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो एक बार उसको देखते हैं। जनवरी की बात करें तो 31 दिन की जनवरी होती है, उसमें से आपको 14 जनवरी से काउंट करना है, क्योंकि दोनों दिन सम्मिलित हैं। वाली बात याद रखना, दोनों दिन सम्मिलित होने की बात कर रहा है आपसे। तो एक बात का जवाब दीजिए, 31 दिन का अगर महीना होता है उसमें से 14 तारीख से काउंट करना है, इसका मतलब 13 दिन को नहीं लेना है। तो आप कहोगे कितने दिन को लेना है, 18 दिन को लेना है। कितने दिन, 18 दिन, 11 में से 3 गए, तो आप कहोगे 8 उधर 2 में से 1 गए। तो जनवरी मंथ के कितने दिन आ गए, 18। फरवरी की बात करें तो ये आपकी 28 दिन की होती है। मार्च की अगर बात करें तो 31, फिर आपकी 30 दिन, और फिर आपका 31, और फिर आपका जून की बात करें तो जून में आपको लेना है 8 दिन। तो टोटल अगर मैं दिनों की बात करूं कितने दिन का ब्याज निकालना है, तो आप कहोगे 8 और 1 9 10 और 8 18 18 और 8 करोगे तो 26 होते हैं। तो कैरी कितनी आ गई, 2 3 और 2 5 6 3 8 8 और 3 11 11 और 2 बात करें 13 और 1 14। तो आप बोलोगे 146 दिन का हमको बच्चे ब्याज निकालना है। कितने दिन का, 146 दिन का। तो आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है या साधारण ब्याज, तो आप कहोगे प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे 12,000 रुपये आपकी पूंजी थी, उसका 10%, 10% मतलब परसेंट आएंगे नीचे कितना आएगा, 100% आए तो कितना आता है, 100। अब आपको समय किसमें दिया गया है, दिनों में दिया गया, लेकिन समय हम किसमें लेते हैं, ईयर के हिसाब से। 146 दिन दिया गया था, अगर इसको ईयर में चेंज करना है तो 365 से क्या करते हैं, डिवाइड, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 7 35, 5 3 15, 5 2 10, 73 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 2 4, 12 4 48। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, तो आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट हमारा 480 रुपये आ गया। तो उस धनराशि का 480 रुपये सिंपल इंटरेस्ट था, और आपका मूलधन की बात की जाए तो मूलधन कितना था, 12,000 रुपये। तो मैं आपसे पूछूं, अमाउंट या मिश्रधन कितना है, तो आपका जवाब होगा अमाउंट आपका 12,000 रुपये है, और 480 रुपये आपका क्या है बच्चे, ब्याज है। 12,000 ये और 400, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आपको कितने रुपए की टोटल धनराशि देनी पड़ेगी, 12,480 रुपए की। बच्चे बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन को अगर घुमाएगा तो इस तरीके से। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में कह रहा है 400 रुपए की, 400 रुपए साधारण ब्याज के किसी वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 460 रुपए हो जाते हैं, यदि दर को 3% घटा दिया जाए, मतलब दर जो आपकी रेट थी उसको 3% फिर कम कर दिया जाए, तो वही राशि अब 3 वर्षों में कितनी होगी। मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपकी जो 400 रुपए की धनराशि थी, 400 रुपए की धनराशि है, 3 साल में कह रहा है 460 रुपए हो रही है। कितने साल में हो रही है, 3 साल, 3 साल में 460 रुपए हो रही है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूं कि 3 साल में ये ब्याज मिला कितना है, 3 साल में कितना ब्याज मिला है। तो बच्चे आपका जवाब होगा 3 साल में सर 60 रुपए ब्याज मिला, क्योंकि 400 से 460 हो रही है, 400 रुपए की राशि कितनी हो रही है, 460, इसका मतलब 3 साल में 60 रुपए ब्याज मिला है। अगर 3 साल में 60 रुपए ब्याज मिला है, मैं आपसे पूछूं 1 साल में कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 3 साल में 60 रुपए साधारण ब्याज है, और हर साल साधारण ब्याज इक्वल रहता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो आपको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब होगा 20 रुपए। मुझे एक बात बताइए, कोई जैसे आपकी 400 रुपए की धनराशि थी उस पर 1 साल का ब्याज कितना है, 20 रुपए। अगर ये दिया गया है तो मैं क्या रेट नहीं निकाल सकता, रेट क्या होती है, उस पूंजी पे 1 साल का उतना परसेंट ब्याज। तो मैं आपसे पूछूं पहली आपकी जो रेट थी वो कितनी थी, तो आप कहोगे 20 रुपए आपको मिलते थे कितने रुपए के ऊपर, 400 रुपए के ऊपर, और ये इसका कितना परसेंट है, परसेंट आएंगे नीचे कितना है, परसेंट से कंपेयर करेंगे 100, 0 से 0, 4 से काटेंगे 5,
तो आप कहोगे रेट हमारी कितनी आ गई, 5। तो R1 की वैल्यू आपके पास 5% आ गई, कितनी आ गई 5%। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है यदि हम रेट को कितने परसेंट घटा दें, तो रेट परसेंट की घटाने की बात कर रहा है कि यदि हम रेट को 3% घटा दें, तो 3% रेट घटा देंगे तो अब कितना होगा। तो मुझे एक बताओ, मैं R2 की बात करूं कि आपकी दूसरी रेट क्या होगी, तो आप कहोगे पहले अगर 5% था रेट, आपकी 3% घटाने की बात कर रहा है, तो 3% रेट घटाएंगे तो रेट अब कितनी हो जाएगी, नई वाली 2%। रेट आपकी नई वाली कितनी हो जाएगी, 2%। अगर आपकी रेट 2% हो गई, अब आपसे कह रहा है वही पूंजी या वही राशि अब 3 साल में कितनी होगी, तो आप कहोगे कि जो पूंजी थी अब कितनी होगी, कितने साल में, 3 साल में। अब आपसे कहूं मैं 1 साल में आपको ब्याज कितना मिलता है या रेट कितनी थी, तो आप कहोगे 2%, या कह सकते हो कि 1 साल में उस पूंजी का 2% ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 3 साल में कितना मिलेगा, तो आपका जवाब होगा 6%। 3 साल में कितना होगा आपका, 6% ब्याज मिलेगा। तो आप कहोगे 1 साल में अगर 2% ब्याज है, तो 3 साल में कितना होगा, 6%। तो 400 का 6% कितना होता है बच्चे, एक बार आप इधर देख लीजिए, 400 का 6% परसेंट आई नीचे कितना आएगा, 100। तो आप कहोगे 24। तो आप कहोगे 400 रुपये की पूंजी पर 6% मतलब कितना ब्याज मिलेगा आपको, 24। तो पूंजी कितनी हो जाएगी आपकी, 424। तो आपका आंसर कितना होगा कि आपकी पूंजी कितनी हो जाएगी, 424। क्वेश्चन सिंपल था, बट ये आपका एक स्कूली मेथड था, हम इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं जिससे हमारा समय का बचाव होगा। कंसेप्ट समझने के लिए क्लियर है वाली चीज है, देखिए नेक्स्ट तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो आपको समय का बचत होगा। देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 400 रुपए की पूंजी थी, 3 साल में 460 रुपए, 3 साल में कितनी हो रही है, 460 रुपए। तो बच्चे मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है रेट को 3% कम कर दिया जाए, मतलब पहले जो रेट थी उससे 3% कम कर दिया जाए, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, लबित फैन बंद कर देते, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि 400 रुपए की पूंजी थी, 3 साल में 460 हो रही है, तो आप एक बात का जवाब दीजिए कि अब आपसे कह रहा है कि रेट को 3% कम कर दिया जाए, रेट को 3% कम कर दिया जाए, 3% कम कर दिया जाए, तो पहले की अपेक्षा अगर 3% आप कम करोगे, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, पहले आपको जो भी मिलता था ब्याज, आपको जो भी रेट, हमें नहीं मालूम वो कितना मिलता था, मैं एक लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा कि हर साल आप कितना परसेंट कम करना है, आपको 3% कम करना है, या मैं कह सकता हूं कि जो भी ब्याज मिलता था उससे 3% ब्याज आपको कम मिलेगा, क्योंकि रेट आपकी अब 3% कम हो गई है। रेट आपकी अगर 3% बच्चे कम हो गई है, तो आप ही एक बात का जवाब दीजिए, 1 साल में कितना कम परसेंट ब्याज हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे कि जो भी हमने प्रिंसिपल दिया था उसका 3% ब्याज हमको 1 साल में कम मिलेगा। 2 साल में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 6%। 3 साल में कितना होगा, 9%। तो आप कह सकते हो कि अगर 1 साल में 3% की कमी करी जा रही है, तो ये 3 साल में कितनी कमी हो जाएगी, तो आप कहोगे 9% हमको ब्याज कम मिलेगा। कितना परसेंट ब्याज, 9%। 1 साल में 3%, दूसरे साल भी 3%, तीसरे साल भी 3%, क्यों, साधारण ब्याज तो हर साल इक्वल रहता है। तो 1 साल में अगर 3% की कमी आ रही है, तो 2 साल में 6% और 3 साल में 9% की कमी आ रही है, तो आप कहोगे जो भी प्रिंसिपल पहले मिलती थी पूंजी, उससे हमें 9% क्या मिलेगा, कम ब्याज मिलेगा, तो किसका, प्रिंसिपल का। तो आप बोलोगे 400 का 9% परसेंट आओगे, डबल जीरो हटाएंगे, तो आप कहोगे 3600 रुपये जो ब्याज था पहले की अपेक्षा हमको कम मिलेगा, तो पहले जो मिलता था उससे 3600 रुपये कम मिलेगा, तो आप बोलोगे कितना मिलेगा, 424। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इस तरीके से हम आएंगे। बच्चे कंसेप्ट पे आप लॉजिक पे जितना ध्यान दोगे उतना आप समय बचा सकते हो, फॉर्मूले पे जाओगे तो
तो आप समय नहीं बचा सकते। आइए इस तरह का हम क्वेश्चन करते हैं दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 1200 रुपए की राशि 4 वर्षों में 1632 रुपए हो जाती है। 1200 पे आपका प्रिंसिपल था, आपने दिया, वो 4 वर्षों में 1632 रुपए हो जाती है। अब रेट को, यदि रेट को 1% बढ़ा दिया जाए, अब क्वेश्चन में कह रहा है रेट को बढ़ाने की बात कर रहा है, तो पहले हम इसको बेसिक से करेंगे फिर आपको लॉजिक से सिखाऊंगा। बढ़ा दिया जाए तो राशि, अब चार भाई राशि 4 वर्षों में कितनी होगी, तो आपसे क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि आपकी जो 4 वर्षों में 1200 रुपए की राशि जो थी 4 वर्षों में 1632 रुपए हो रही है। तो आप कहोगे कितने साल में हो रही है, तो आप कहोगे 4 साल। 4 साल में 1200 की पूंजी आपकी कितनी हो रही है, 1632। मैं आपसे पूछूंगा बच्चे आपको इंटरेस्ट कितना मिला है, इंटरेस्ट कितना मिला है 4 साल में। तो 1200 की पूंजी थी, 1632 हो रही है, तो आप कहोगे कि 432 रुपए हमको ब्याज के रूप में मिला है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज आपका कितना है 432। अब आपको निकालना कितना रहेगा 1 साल का, तो आप बोलोगे कि 4 साल में आपको 432 रुपए मिल रहे हैं, तो 1 साल में कितना होगा, 4 से 4 एकम 4, 4 8 32, तो आप कहोगे 1 साल में आपको 108 रुपए साधारण ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो बच्चे मैं आपसे पूछूं रेट कितनी है, तो रेट हम निकाल सकते हैं अगर 1 साल का साधारण ब्याज दिया है, तो आप कहोगे रेट मतलब पहली रेट कितनी थी हमारी, तो आप कहोगे 108 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने के ऊपर, 12000 के ऊपर, 1200 के ऊपर। तो आप बोल सकते हो 00 से 00, 4 3 12, 4 2 8, 4 7 28, 4 9 27। तो आप कहोगे कि आपको 100 रुपये मिल रहे हैं 1200 रुपये के ऊपर, 00 से 00, 4 3 12, 4 2 8 और 4 7 28, सही तो है, 27 3 से काटेंगे तो कितना जाएगा 9। तो आप कहोगे आपको आपकी रेट कितनी आ गई, तो R1 की वैल्यू कोई पूछेगा तो आप बोल सकते हो आपकी पहली रेट कितनी है, 9% है, कितनी है 9% है। अब आपसे कह रहा है कि यदि रेट को कितने परसेंट घटा दिया जाए, तो क्वेश्चन में बोला गया है यदि रेट को घटाने की जगह ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है बढ़ाने की बात कर रहा है कि रेट को 1% बढ़ा दिया जाए, तो नई रेट अब कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे तो नई रेट आपकी हो जाएगी 10%। नई रेट कितनी हो जाएगी 10%। तो आपसे कह रहा है वही पूंजी अब 3 साल में कितनी होगी, अब आप कह रहे हो कि आपकी जो रेट है वो कितनी हो गई है 10%। तो आपसे कह रहा है वही पूंजी अब 4 साल में कितनी होगी, तो आपसे मैं बात पूछना चाहूंगा कि 1200 की आपकी जो पूंजी है 4 साल 4 साल, 1 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 10%। अगर 1 साल में 10% मिल रहा है तो 4 साल में कितना मिलेगा, तो आप कह सकते हो कि हमको 40% इंटरेस्ट मिलेगा, कितना परसेंट 40%, 1 साल में 10%, 2 साल में 20%, 3 साल में 30%, क्योंकि हर साल आपको 10-10% मिलेगा, साधारण ब्याज हर साल इक्वल रहता है। तो आप कहोगे 1200 की जो पूंजी थी उस पर 40% परसेंट आएंगे, 20 हटाएंगे, तो आप कहोगे 12 चौक 48, 480 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो आप कहोगे 40% मतलब 480 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो 1200 की पूंजी थी 480 रुपए अगर ब्याज मिल रहा है, तो आप कहोगे अब आपकी पूंजी कितनी हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर 1680 रुपए, तो आपका आंसर होगा 1680। बच्चे एक बेसिक कंसेप्ट था, एक बेसिक समझा दिया, अगर इसी को भी हम लॉजिक से करते तो सेकेंडों में कर लेंगे, अगर घटाने की बात करता तो हम घटा देते, जोड़ने की बात करेगा तो जोड़ देंगे। देखिए अब इसको लॉजिक से अगर किया जाए तो हम और जल्दी कर सकते हैं। देखिए बच्चे, आपसे कह रहा है 1200 की जो पूंजी है
4 साल में, 4 साल में 1632 रुपये हो रही है। सही है डाटा, एक बार चेक कर ली। 1200 की पूंजी 1632 हो रही है। अब आपसे कह रहा है रेट को 1% बढ़ा दिया जाए, इससे पहले कह रहा था रेट को घटाने की, अब बढ़ाने की। अगर 1% बढ़ाने की बात कर रहा है तो मैं कह सकता हूं जो भी पहले ब्याज मिलता था अब उससे 1% हर आपको साल में 1% ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो एक साल में 1% ब्याज बढ़ रहा है, 2 साल में 2, 3 साल में 3, 4 साल में 4, 4% ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा। अगर कम की बात करता तो 4% हम कम करते, तो आपका कह रहा है 4% ज्यादा ब्याज मिलेगा क्योंकि 1 साल में आपको 1% बढ़ाने की बात कर रहा है। तो आपका वो अगर 1 साल में 1% बढ़ेगा तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, तो आप कह सकते हो कि 4 साल में हमको 4% ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो आप कहोगे 1200 का 4% कितना होता है, परसेंट आएंगे 00 से 00, तो 12 चौक 48, तो आप कहोगे 48 रुपये पहले की अपेक्षा हमें ज्यादा मिलेंगे। अगर पहले जो मिलता था उससे 48 रुपये अगर ज्यादा मिलेंगे तो कितना मिलेंगे, तो आप कहोगे 1680 रुपये। ये आपका बेसिक लॉजिक से था, सेकेंडों में आपके आंसर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर किया करिए सभी को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और कमेंट करके हमें अपने शहर का नाम भी बताया करो।